हाय गाइस, आज मैं आपको कुछ हटके दिखाने वाला हूँ। बारोसा घाटी में विलियम्स टाउन करके एक छोटा सा टाउन है, उसके बिल्कुल पास में विस्परिंग वॉल है। वो देखने के लिए हम लोग एडिलेड से 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए काफी जगह है और पार्किंग भी फ्री है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बारोसा घाटी की सबसे लोकप्रिय और लोगों की पसंदीदा जगह है ये विस्परिंग वॉल। वास्तव में ये डैम यानी जलाशय है। ये क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें ये जलाशय का पानी गोलर और आसपास के कई क्षेत्रों में दिया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। और पास में विस्परिंग वॉल में ये लिखा है, एक साइड पर बोली गई बात डैम के दूसरी साइड के एंड पर भी सुनाई देती है। और ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स लोगों ने कब ये डैम बनाया, कब शुरू किया था और कब खत्म हुआ, ये सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको ये डैम का जो मैजिकल बात है आपने सुनी है वो दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ से लोग अपनी आवाज यानी जो भी कुछ बातें बोलते हैं ये डैम की साइड से, और डैम की दूसरी साइड के एंड में वो आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ताज्जुब की बात ये है कि ये दूरी लगभग डैम के बीच की 140 मीटर यानी 500 फीट के आसपास है, फिर भी दोनों साइड के बीच काफी दूरी होने के बावजूद बातचीत बिल्कुल सुनाई देती है। आप कितना भी धीरे से बोलने पर भी ये आवाज एकदम क्लियर और अच्छी तरह सुनाई देती है। लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं और हंसी भी रोक नहीं पाते, इतना मैजिक लग रहा है। हम लोग जाएंगे डैम की दूसरी साइड पर। मैं आपको ये साइड पे दिखाता हूँ, और देखने जाए तो काफी हाइट लग रही है और सूखा सूखा भी दिख रहा है। और ये साइड देखते हैं तो पूरा पानी भरा हुआ है और आसमान में काले काले बादल भी छाए हुए देख सकते हैं आप। मौसम काफी सुहाना और मस्त है। अगर गर्मी होती दोस्तों तो यहाँ पर घूमना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आज मौसम ने हमारे साथ दोस्ती कर ली है तो मजा कुछ और ही आ रहा है। दोस्तों, डैम के दूसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल आगे जो डिजाइन है वही सेम यहाँ पर भी है। यहीं से जो भी कुछ बोलते हैं बिल्कुल सामने सब कुछ क्लियर सुनाई देता है। सही में ये मैजिक जैसा लग रहा है। ये डैम बनने के बाद पता चली थी कि ये डैम में ऐसा मैजिक हो गया है। बस यही बात चारों ओर फैल गई और पूरे ऑस्ट्रेलिया से यही डैम देखने के लिए लोग अपने जीवन में एक बार जरूर आते हैं यहाँ पर। ये बारोसा डैम ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट है, वहीं पर बारोसा वैली में स्थित है। और ये बारोसा वैली बहुत सबसे बड़ी वाइन क्षेत्र है, जिसमें ये विलियम्स टाउन करके एक छोटा सा टाउन है, उसके बिल्कुल पास में है ये डैम। और यही डैम से गोलर टाउन और नॉर्थन स्टेट के कई अन्य क्षेत्रों में वाटर सप्लाई के लिए 1902 में ऑलमोस्ट 1,70,000 पाउंड की लागत से ये बनाया गया था। और जलाशय की दीवार 36 मीटर यानी 118 फीट की ऊंचाई है। के आसपास में सुंदर लोकेशन है और आप यहाँ पर आराम से बैठकर थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बारोसा घाटी में ये डैम के अलावा और भी कुछ है, जैसे हेलीकॉप्टर की राइड है जो 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट की सीनिक उड़ान पड़ती है, बारोसा घाटी के ऊपर उठती है। इसे एक बार अवश्य देखने और अनुभव करने जैसा है। और काफी वाइनरी है यहाँ पर, आप वाइनरी को भी देखने के लिए ट्रिप बना सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बता रहा था वही बारोसा घाटी वाली हेलीकॉप्टर की राइड की आवाज सुनाई दे रही है।
यहाँ पर पास में वॉशरूम है और यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था की गई है बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर वाईफाई फ्री में कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। वाईफाई फ्री और यहाँ इंस्टॉल करने का जो मेन रीजन है कि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है भरोसा वैली के आसपास के पूरे क्षेत्र में। आपको इमरजेंसी में कोई हेल्प की जरूरत पड़ने पर ये नेटवर्क से आपको हेल्प मिल जाती है, या फिर मुसीबत के वक्त से आप बच जाते हैं, या फिर अपना काम आसान हो जाता है, इसलिए ये वाईफाई दिया गया है। सच में ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। यहाँ की काउंसिल और सरकार दोनों जनता के लिए काफी कुछ सोचते हैं और काफी कुछ करते हैं उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए, ताकि लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सके। बस यही आज का शानदार सफर खत्म करते हैं और निकलते हैं रिटर्न। रास्ते में ऑस्ट्रेलिया के रोड पर आसपास की थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ, और मेरा ये वीडियो देखकर सच में आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको वाटरफॉल और सुंदर बीच दोनों दिखाने वाला हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय।